नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सुब्रत राय सहारा के बारे में। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले निवेशक अब बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनका पैसा सहारा से उनके खाते में पहुंच जाए। आपको बता दें कि सहारा में पैसा इन्वेस्ट करने वाले ज़्यादातर लोगों का पैसा अभी तक निवेशक के खाते में लौटा तक नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सहारा ने एक अपडेट साझा किया था, जिसमें यह बताया था कि उनके निवेशकों का पैसा सेबी के पास है। सेबी से पैसा आने के बाद ही वे निवेशकों को पैसा लौटा देंगे, लेकिन सेबी की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि अब तक उनके पास 81.70 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से कि 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट और पासबुक से जुड़े हुए कुल 19,644 आवेदन उनके पास पहुंचे हैं। ऐसे में अब पूरा मामला सेबी और सहारा के बीच में फंसा हुआ है। हालांकि देश के कई राज्यों में सहारा के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन निवेशकों का पैसा अभी भी इन्हीं चक्रव्यूह में घूमता रहा है। इन सब के बीच में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा के साथ साथ 10 बड़े अधिकारियों के खिलाफ मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ यह आरोप भी लगाया गया है कि 25,05,000 रुपये का निवेश किया गया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं लौटाया गया। पुलिस को लेकर अपने आवेदन में राजेश्वरी गोयल ने बताया है कि साल 2014 में उन्होंने सहारा इंडिया में 25,05,000 रुपये का निवेश किया था। इसी एवज में कंपनी प्रतिमाह 25,000 रुपये का भुगतान बॉन्ड धारक को करती रही। साल 2019 में बॉन्ड की समय अवधि पूरी हो गई। इसके बाद कंपनी को 25,05,000 रुपये की रकम बॉन्ड धारक को लौटानी थी, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने रकम वापस लौटाने के बदले फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस रकम को फिर से कंपनी में ही निवेश कर दिया। जब इन पैसों को कंपनी में दोबारा निवेश किया गया तो उस समय राजेश्वरी देवी से अनुमति नहीं ली गई और ना ही किसी तरह का हस्ताक्षर किया गया। साथ ही निवेश करने वाले के नाम पर 5,00,000 रुपये का कमीशन भी ले लिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन डीके श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव, एसएच हैदर, प्रशांत वर्मा, एनबी सिंह, संजय द्विवेदी, सर्वेश पांडे, डीसी तिवारी, जितेंद्र उर्फ जेके श्रीवास्तव के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पटना हाई कोर्ट में निवेशकों के मामले को लेकर सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने को कहा गया था, लेकिन सुब्रत राय ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट में आने से मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने सुब्रत को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद सुब्रत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि बिहार में भी सुब्रत राय सहारा के ऊपर निवेशकों का पैसा रखने का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस पूरे मामले में एक बात सामने आ रही है कि सहारा का पैसा सेबी के पास है, और सेबी का कहना है कि इन सारे पैसे का डेटाबेस सहारा के पास नहीं है। ऐसे में वह सहारा को पैसा देने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण निवेशकों का पैसा रुका हुआ है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ है कि सहारा ने गलत तरीके से लोगों का पैसा जमा किया है। अब इस पूरे मामले में निवेशकों का पैसा सेबी के पास अटका है, या कह लें कि सहारा के पास अटका है, और निवेशक जो हैं वो गरीब हैं, वो उनके पास अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सहारा के पास दिए थे ताकि भविष्य उनका अच्छा हो सके, लेकिन आज स्थिति उससे उलट है। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।